पे सप्ते में एक दिन बाज़ार लगती है, मंडे के दिन। देख सकते हैं इस तरह का कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे घर किधर है, घर आप लोग का? ओ घर उधर है ना, और विलेज में ऐसे दुकान रहता है। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय नई ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिलहाल मैं लोरेंग थिम्पी असम में हूँ, कंटिन्यू 4 दिनों से। और सुबह के अभी 7 बज रही है। इधर से हमारे दीपक भाई हैं और इधर हम हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं टूर करने के लिए, लोकल टूर करने के लिए जा रहे हैं। इधर का विलेज एरिया आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ। इसकी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को बढ़िया लगता होगा मेरे वीडियो, क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी ये लोरेंग थिम्पी का मार्केट है, देख सकते हैं अंदर तक भी मार्केट है और आगे भी मार्केट है। दोस्तों असम में हर घर में आपको एक कसेली का पेड़ मिल जाएगा, बोले तो सुपारी, जो पान में डाल के खाया जाता है। आप देख सकते हैं अभी ये छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। साथ ही अभी कच्चा है, फला नहीं है, थोड़ा बहुत एकदम ऊपर में अभी फली रहा है, तैयार हो ही रहा है अभी। और हर 6 महीना में इसे काटा जाता है। तो पूरा कसेली का बगान ही लगा भाई, देख सकते हो इधर भी बहुत सारा लगा हुआ है। और बहुत पतला पेड़ रहता है लेकिन लोग इसमें चढ़ जाते हैं भाई, जैसे दीपक भाई बता रहा था, नहीं लोग इसमें चढ़ के उतारते। देख सकते हैं दिख रहा है यहाँ पे कच्चा है ना। मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए फला हुआ है। दोस्तों ये असम का एक विलेज एरिया है, कार्बोलैंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी घर हैं आप देख रहे हैं, सारा बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ है, यानी बम्बू बांस से बनाया गया है और ऊपर से क्रिकेट दिया गया है। और ये असम में आपको कल्चर मिलता है, ये हर जगह आपको ऐसे मिल जाएगा भाई, देख सकते हो आप। और विलेज में ऐसे दुकान रहता है, ये राशन दुकान है ना। ललित कुटी वगैरह बनता है शायद ना। तो गाय आप देख सकते हैं ये पुआल है और शायद ये कुटी बनेगा। अंकल ये कुटी बनेगा ना, डायरेक्ट ये कुटी बनाते हैं क्या? हाँ ओ इसमें लेके जाएगा डायरेक्टली। ये दीपक भाई का फ्रेंड का घर है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। गुड मॉर्निंग भतीजी है क्या? गाइस काफी मस्ती हो रही है, ललित भैया हैं, बहुत दिनों के बाद आने की फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हुए हैं। और एक्चुअली अभी भाई का सब मतलब घर गया हुआ था, नाश्ता पानी हुआ, काफ़ी प्यार मिला, हमें भी अच्छा लगा। और मेरे तरफ से इनवाइटेड है ललित भैया को, कभी आइए झारखंड में घुमाऊंगा झारखंड है ना। और भाई साहब ऑलरेडी टीचर हैं यहाँ पर, टीचर ही करते हैं। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। एक्चुअली हम लोग सभी सिंगल बंदे हैं। दोस्तों असम में भी धान की खेती होती है, 1 से 2 महीना पहले फसल को काटा गया है, देख सकते हैं अभी भी इसका पुआल वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं दीपक भाई का घर। ऐसे दीपक भाई की दूसरी दुकान है, उसका छोटा भाई बैठता है हमारे पवन भाई, देख सकते हो जूता चप्पल कपड़े वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इधर का दुकानें सब ऐसे ही रहता, सब क्रिकेट वाला। अभी भाई ने दुकान अभी खोली रहा है पवन भाई। क्या पवन भाई ठीक ठाक, सिंगार का भी आइटम रखते हो ना, क्या बात है भाई। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दीपक भाई का दुकान, अभी दुकान खोल रहे हैं दीपक भाई, कुछ कस्टमर आए हुए हैं। साथ ही दीपक भाई का दुकान का बगल में घर है, चलिए आप लोगों को घर का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। देख सकते हैं जैसे अब एंट्री करते हैं तो आपको इधर दिख जाएगा, दिख जाएगा बोले तो। अभी सारा घर में सारा सेट ही हो रहा है, नीनी अभी घर बनाई है, पहले दूसरे जगह जब हाईवे बन रही तो टूट गई थी तो फिर से ये बनाई है। और यही मिट्टी यूज किया जाता है घर बनाने में, जो खेतों से लाया जाता है। और
एक ट्रैक्टर का 350 रुपया लगता है, ऐसा कुछ बता रहे थे दीपक भाई। देख सकते हैं ये सारा मिट्टी है और अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। चलिए अंदर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये अंदर का नज़ारा है, इस तरह से रूम बना हुआ है। अरे भाई अंदर से कहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है शायद, ये किचन वगैरह है। और चलिए बाहर का भी कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये बाथरूम वगैरह हो गया इधर, और इधर आपका विलेज एरिया देख सकते हैं, पहाड़ी में भी घर है। और ये विलेज एरिया कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। इधर आपका वाशरूम हो गया और नहाने के लिए इधर चापाकल है। और जो ये तैयार किए हैं देख सकते हैं, मिट्टी से पूरा बना हुआ, बम्बू लगा हुआ है, एक गेट टाइप है। गाइस गर्मियों में यहाँ पे पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एसी से ज़्यादा ठंडा भी देता है ये मिट्टी वाले घर में। ऑलरेडी मैं 3 दिनों से यहाँ पे हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है। गाइस दुकान खुलते हुए कस्टमर आ गए हैं देख सकते हैं। चलिए अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं। और दीपक भाई इधर है, ये पूरे दीपक भाई का पूरी दुकान है, जिसमें ये जूते चप्पल भी रखते हैं, साथ ही सिंगार का सामान है। और गाइस चलिए आप लोगों को यहाँ का लोकल मार्केट दिखा देते हैं, लोरिंग थिप्पी का। दोस्तों आपका ये मेन हाईवे है, यहाँ से डायरेक्टली आप दीमापुर नागालैंड जा सकते हैं। नागालैंड यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, साथ ही दीफू जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जा सकते हैं, 70 किलोमीटर है। और इधर से आप हुजई साथ ही गुवाहाटी जा सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं देख सकते हैं, ये सारा मार्केट ही है, अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। दुकानें अभी क्लोज है, एक्चुअली अभी टाइम हो रही 9 बज रही, 10 बजे तक दुकानें यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पे सप्ते में एक दिन बाज़ार लगती है, मंडे के दिन देख सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ का नज़ारा है, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे ओपन हो रही। दोस्तों यहाँ पे घर से लेकर दुकानें तक आपको क्रिकेट का ही मिलेगा, मिट्टी का बना हुआ है देख सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे मार्केट लगती है। तो आप लोग भी नोटिस किए होंगे इस वीडियो में, यहाँ पे जितने भी घर हैं, घर के बाहर आपका बाउंड्री बना हुआ है, मतलब सिंगल सिंगल घर है। साथ ही घर के बाहर आपको एक छोटी सी बगान मिल जाएगी, जहाँ पे फल से लेकर फूल से लेकर, साथ ही यहाँ का फेमस हम बात कर रहे हैं कसेली का पेड़ आपको दिख जाएगा भाई, देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को मिट्टी दिखा रहा था, यही मिट्टी देखिए ट्रैक्टर से भैया जी लाए हैं, 350 रुपये सर ट्रैक्टर है ना, यही मिट्टी से घर बनाया जाता है। ये कैसे ट्रैक्टर चलता है इधर, कैसे ट्रैक्टर इतना का, कितना 350 रुपया? और ये कहाँ खेत से लाते हैं ना, न खरीद के लाते, मतलब कहाँ से? मैं ये मिट्टी ओके जंगल वगैरह से? हाँ खेत है, खेत है, आप देख सकते हैं मिट्टी यही है। दोस्तों और सुबह के भी 8 बज रही है, और फिलहाल मैं हुजई असम में हूँ, और कल नाइट में यहाँ पे हम पहुँच गए थे। एक्चुअली दीपक भाई को जाना था अपने घर बिहार जाना था, तो रेलवे स्टेशन यहीं पे हुजई में, तो यहीं से उसका टिकट था। तो फिर थोड़ा बहुत मैं वीडियो से गुजर किया था, फिर डायरेक्टली मैं इधर नाइट में आ गया था। और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। अगला एक चाय देना छोटा वाला, और एक ये कितने का? 5 का ना। दोस्तों मेरा नाश्ता हो गया, और चलिए आप लोगों से एक फ्रेंड से मिलाता हूँ, हमारे रंजीत सर हैं, ऑलरेडी हुजे से है, और फिलहाल मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आए हैं। और आज की मेरी जर्नी जो होने वाली है, आज हम लोग जाने वाले हैं हुजे टू दीमापुर नागालैंड फ्रेंड्स। अभी फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, और अभी ट्रेन कुछ देर में आने वाली है। और फाइनली गाइस मेरी ट्रेन आ गई है, रंगिया एक्सप्रेस, ये पैसेंजर है। दोस्तों हुजे से ट्रेन खुल गई है, बाय बाय हुजे। अरे भाई जनरल बोगी का, thank you।
सा स्टेशन में रुके हुए हैं, पता नहीं चल रहा है। और लगभग आधा घंटे के बाद हम एंट्री करने वाले हैं नागालैंड में, और धूप आना स्टार्ट हो गया गाइस। आज हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, यानी कि दीमापुर नागालैंड में। आप लोगों का स्वागत है, साथ में हमारे कांतिलाल सर है। दोस्तों ये स्टेशन का बाहर का नज़ारा है, और नागालैंड की सबसे बड़ी सिटी दीमापुर ही है। अगर दीमापुर आना चाहते हैं तो नियर स्टेशन दीमापुर ही है। तो दीमापुर की बात करें तो नागालैंड की सबसे बड़ी सिटी दीमापुर है। साथ ही कोहिमा जाने के लिए यहीं से आपको बस मिल जाएगी, साथ ही टाटा समूह यहां पे मिलती है। यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, और फिलहाल कांतिलाल सर का रूम जा रहे हैं, फिर हम लोग घूमेंगे सामने का। यहां पे ऑटो है, देख सकते हैं काली पीली ऑटो है। दोस्तों कांतिलाल सर का रूम गए, खाना वाना खाए हैं, फिर रेस्ट किए हैं, और हम निकल चुके हैं दीमापुर सिटी की ओर। थोड़ा बहुत आप लोगों को मार्केट थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। और अभी टाइमिंग हो रही है 4:30 बज रही है, ऐसा लग रहा शाम हो गया भाई की स्थिति। तो पूरे इंडिया में यही हाल है भाई, हर जगह ट्रैफिक लगती है, या तो छोटी सिटी हो या तो फिर बड़ी सिटी हो। नागालैंड की बात करें तो 90% यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का बसेरा है फ्रेंड्स, और 10% ही इधर उधर के लोग रहते हैं, खास करके नागालैंड में नागा लोग ही रहते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं नागालैंड के बारे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से पूरा सिटी का नज़ारा देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन का मार्केट, और बगल में रेलवे स्टेशन है। और अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है, झोपड़ी के अंदर सारा मार्केट ही बसा हुआ है। स्टेशन के बाजू में मार्केट है गाइस, देख सकते हैं। और अभी शाम का 4:30 बज रही है, भीड़ होना स्टार्ट हो गया है। एक्सक्यूज मी बाई गाइस, ये मार्केट का नाम है आजी पार्क मार्केट। आपके दोनों तरफ से दुकानें हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कपड़े हैं, साथ बहुत बहुत सारा आइटम है। पिछला बार आए थे फ्रेंड 2021 में, यही होटल में रुके थे, होटल जल महल, और पर नाइट का 500 था, सिंगल बेड का था। और जस्ट आपको बहुत सारे मार्केट हैं। अगर आप लोग दीमापुर घूमना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ले सकते हैं, बोले तो टू व्हीलर के लिए रैपिडो का ऑप्शन यहाँ पे है, देख सकते हैं भाई लोग लगे हुए हैं। दोस्तों मैं इधर ही घूम रहा था, मुझे जूता पॉलिश करवाना था, इसी बीच मुझे मिल गए भैया जी अपने एरिया का, और ये भैया बिहार से हैं, और ससुराल है आपका झारखंड कोटा। काफ़ी अच्छा लगा अपने लोग मिलते हैं तो। अच्छा इस एरिया कैसा लगता है आपको, बिहार से अच्छा लगता है तो फिर उधर ही ठीक लगता है, उधर अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, उधर अब रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। दीमापुर आज से 2 साल पहले मुझे आना हुआ था, उसी समय दोस्ती हुई थी, एक फ्रेंड थी, बोले तो एक मेरी टीम से एक मैम थी, पिंकी मैम, अभी मैं उसी के घर जा रहा हूँ। एक्चुअली वो इन्वाइटेड मुझे की है। ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी, अभी तैयारी हो रही है, पूरी तरह से बनी नहीं है। मुक्कू, ओके, हाय मुक्कू। यस। और फाइनल दोस्तों हम लोग 2 साल के बाद मिले पिंकी मैम से, और इससे पहले हम आए थे तो पूरा नक्शा ऐसा नहीं था, बिल्डिंग तैयारी हो रही थी। और अभी फिलहाल मैम के घर में है। कैसे लग रहा है मैम आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया है। और अभी देखें मुक्कू ना, नाम में कंफ्यूज हो जा रहा, वो इधर बैठा है। किधर बैठा है वो? ओके इधर बैठा हुआ है ना। बहुत ज़्यादा चाय है, चाय नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चाय है। हाँ
हम लोग तरफ तो इतना पीते ही नहीं है, छोटा सा जो कप आता है ना उसी में हम लोग पीते हैं। आप लोग इतना पीते हैं, इधर इतना पी जाते हैं? नहीं, हमको सिर्फ पिला रहे हैं आप, इतना पीते हैं ना। चल जाओ, चाय तो बढ़िया ही बना, इसमें थोड़ा इलायची कम है। इलायची नहीं दिया? इलायची नहीं देते आप लोग? देते ही नहीं इलायची? देता है, आज नहीं दिया। ऐसा ही है। गाइस, हम कांतीलाल सरकार रूम पहुंच चुके हैं। आज की नाइट मेरी होल्डिंग यहीं पे होने वाली है। बट एक खासियत बता देता हूं, दिमापुर नागालैंड का, यहां पे 7 बजे सारे दुकानें बंद हो जाती है। अभी देखिए, मैं आ रहा था तो काफ़ी सन्नाटा हो चुका था, काफ़ी डर भी लग रहा था, बट आ गया, बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग काफ़ी प्यार दीजिएगा, यानी लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।